जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने खेला नया गेम, तो क्या अपनी पत्नी के हाथों में सौंप देंगे दिल्ली की सत्ता। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रही है बेल, तो अब परमानेंट ठिकाना हो जाएगा जेल। क्या मोदी की बिछाए जाल में फंस गए हैं केजरीवाल, अब पार्टी भी आ गई है टूटने की कगार पर। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे यह संकेत मिल गए हैं कि केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन आज हुई अदालत की सुनवाई में अरविंद केजरीवाल सरकार के दो सबसे मजबूत मंत्रियों आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आने के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब शराब घोटाले गाज इन मंत्रियों पर भी गिर सकती है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर आतिशी और सौरभ का नाम शराब घोटाले में लिया है। पार्टी के अनुसार यह सुनीता केजरीवाल का राजनीतिक रास्ता साफ करने की कोशिश है। दरअसल आज हुई अदालत की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने यह माना है कि विजय नायर सीधे तौर पर उन्हें नहीं बल्कि उनकी पार्टी के दो नेता आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। ऐसे में यदि यह साबित हो जाता है कि विजय नायर सीधे तौर पर केजरीवाल से नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ से बातचीत करता था, तो मामले की जांच इन्हीं दोनों नेताओं की ओर मुड़ जाएगी। इससे अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट भले ना मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं से पूछताछ होने की संभावना अवश्य बढ़ जाएगी। चूंकि विजय नायर पर यह आरोप है कि उसने शराब व्यापारी समीर महेंदू से एक करीबी के माध्यम से करोड़ों रुपए की लेन देन की थी। पैसों के लेन देन का यह मामला आतिशी और सौरभ तक भी पहुँच सकता है। इससे इन दोनों नेताओं पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। इस मामले में दिल्ली सरकार के एक और मंत्री कैलाश गहलोत से भी पूछताछ हो चुकी है, यानी इस मामले में एक के बाद एक कई बड़े आप नेताओं के गिरने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। ध्यान देने वाली बात है कि इस मामले में ज्यादातर आरोपियों के नाम ईडी के द्वारा पूछताछ में ही एजेंसी के सामने आए थे। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक का नाम आरोपियों से ईडी की पूछताछ के बाद ही सामने आया था। जानकारों का मानना है कि ईडी की कार्रवाई के इस पैटर्न को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि अब शराब घोटाले में इन दोनों वरिष्ठ मंत्रियों से भी पूछताछ होने की संभावना बन सकती है।